जय श्री महाकाल। आदेश। परालौकिक जगत की शक्तियां और उनके अनुभव, और उससे सबसे बड़ी बात जो होती है वो होता है उनका प्रयोग करना। साधना तो कोई भी कर सकता है, सिद्धि भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन किसी भी शक्ति को चलाने के लिए आपको उसके विषय में पता होना चाहिए। और यह कौन सिखाता है? यह सिखाता है गुरु या मास्टर, जो उस चीज को जानता है या जिसने वो चीज इजाद की हुई होती है। हर व्यक्ति के अपने नियम होते हैं, कायदे होते हैं, समझाने का तरीका होता है। किसी के अलग नियम होते हैं तो किसी के अलग नियम होते हैं, लेकिन बात यहां आध्यात्मिक शक्तियों की है, परालौकिक जगत की शक्तियों की है। तो किस तरीके से वो सिद्ध की जाती हैं, किस तरीके से होता है, तो मैं आज बता दूं आप लोगों को कि शक्तियां वैसे ही कार्य करती हैं जैसे सबको कार्य करती हैं, फिर चाहे वो कोई सिद्धि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हो या फिर कोई नया व्यक्ति जिसने पहली बार वो साधना की हो। सिद्धि सफल होने के लिए सबसे जरूरी है सही क्रिया विधि आपके पास होना और सही तरीके से आपको उसका जागृत करना या उस साधना को पूर्ण करना। लेकिन कई बार कई सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो साधना तो कर लेते हैं, सिद्धि भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है कि साधना हुई कि नहीं हुई, और अगर हो गई तो अब हम कैसे यूज करें इस चीज़ का। क्योंकि ऐसे कई सारे लोगों का प्रश्न आया है, जिनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शोधनी साधना की और करने के बाद बोला कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, साधना करने के समय तो कोई अनुभूति हुई, लगा कि कोई चीज़ है, लेकिन अब प्रयोग कैसे करूं, किस तरीके से उस शक्ति का मैं यूज करूं, तो उन्हें ये कभी समझ ही नहीं आ पाता कि आखिर अब वो करें तो क्या करें आगे, क्योंकि वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर शोधनी बताती कैसे हैं। तो देखिए, यही वो चीज है जो आपको सिर्फ एक मास्टर सिखा सकता है। यदि आप में क्षमता है तो आप खुद से कर सकते हैं, यदि आप नहीं कर सकते हैं तो इसमें उस क्रिया का कोई दोष नहीं है। क्रिया जो एक आदमी को अनुभूति दे रही है, किसी दूसरे आदमी को नहीं दे रही है, उसका कारण यही है कि वो व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। अब मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अर्पित क्रिया के लिए आते हैं, तो कुछ लोगों को तो साधना कराई, अर्पित क्रिया कराई, क्रिया कराने के बाद वो जो भी शक्ति है, शोधनी है, नूरी है या कोई अन्य चीज़ है, अर्पित क्रिया के दौरान उन्हें वो कंप्लीट करा देते हैं। इसके बाद कुछ वक्त देते हैं, आधा घंटे एक घंटे, ताकि वो चीज़ उनके शरीर से सेट हो जाए। इसके बाद हम उनका लेते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जब हम लेना शुरू करते हैं तो उसमें कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक घंटे में भी समझ जाते हैं उन बातों को, और प्रैक्टिकल वो सही तरीके से कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको समझाने के लिए मुझे कंटिन्यू 12-12 घंटे बैठना पड़ता है, 9-9 घंटे बैठना पड़ता है कंटिन्यू, तब जाके उन्हें वो बात समझ आती है। उन्हें कोई सिद्धि करा दी, कुछ करा दी, कराने के बाद जो एक इंसान का दिमाग होता है वो कभी उसे आगे नहीं बढ़ने देता है। इंसान अपना दिमाग लगाता है चीज़ों में और अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है, लेकिन यदि आपको कोई चीज़ सीखनी है या आपको कोई मास्टर सिखा रहा है तो अपना सारा ज्ञान व्यक्ति को साइड में रख देना होता है। जो मास्टर सिखा रहा है उसी तरीके से उसको वो चीज़ करनी होती है। मास्टर आपको जो सिखाएगा वो आपको अपने अंदर लेके आना होता है, और यही होता है जब हम प्रैक्टिकल ले रहे होते हैं, उसको बोलते हैं आँखें बंद करो, कुछ दिखाई दिया, शक्ति दिख रही है, कुछ समझ में आ रहा, कानों में आवाज़ आ रही, कुछ दिखाई दे रहा, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, वास्तव जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, डर लग रहा है, मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, तो ये स्थिति लोगों के साथ बनती है। अब जब तक व्यक्ति को डर लगेगा, जब तक व्यक्ति घबराएगा, जब तक व्यक्ति नर्वस होगा, तब तक वो कनेक्ट हो ही नहीं सकता है। चीज़ मैंने कराई है, कोई
कोई चीज़ मैंने सामने वाले को दी है तो प्रैक्टिकल लेने की गारंटी मेरी है। जब मैं प्रैक्टिकल लेने के लिए बैठा हूँ सामने वाले व्यक्ति का, तो मैं लेके ही छोड़ूंगा, बिना उसके तो मैं छोड़ने वाला हूँ ही नहीं। और सही होगा या गलत होगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये तो मैं तय करूँगा कि सही है कि गलत है। यदि विद्यार्थी खुद ही ये सुनिश्चित कर ले कि वो सही है चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो बात फिर तो अलग हो गई पूरी पूरी। तो जब उन्हें ये सारी चीज़ें समझाओ, जब सारी चीज़ें समझाओ, समझाने के बाद फिर उनसे पूछो, उनको चीज आवाहन करा के पूछो, आंखें बंद करा के उनका दूसरी साइड मुंह करा दो या आंखें बंद करा के बिठा दो, फिर पूछो हाथ में क्या लिए हैं, कैसे रंग की चीज़ है, क्या है, सब क्लियर बताते हैं। अब 100 में से 100% कोई चीज़ नहीं होती, ये भी एक विज्ञान है, ये भी एक कला है, ये भी एक पद्धति है जिसका मैं आगे चल के कोर्स कराने वाला हूँ। ये एक तरीके की एक साइकिक एबिलिटी है, परलोक जगत की शक्तियों को समझने का एक हुनर है। कोई भी चीज़ ये फेक नहीं, ओरिजिनल है सारी की सारी चीज़। तो समझाना सबसे बड़ी समस्या बन जाती है व्यक्ति को कई बार, और फिर जब ये होता है तो व्यक्ति को हाथ में हम कोई चीज़ लिए, हम पूछ रहे बताइए क्या रंग है, नीला है, नीली ही रंग की चीज़ होती है, उसको बोलेंगे आँख खोलो भाई देखो क्या है, नीला है कि और कुछ है, है तो गुरु जी, है तो वासा जी। इस तरीके से जब जवाब सही आते हैं, जब लोगों को 10 क्वेश्चन पूछो, 10 प्रश्न पूछो, 10 में से अगर 8 जवाब 9 जवाब भी सही आ रहे हैं, फिर वो इंसान ये कहते हैं पता नहीं मुझे कौन बता रहा है, पता नहीं कैसे चमत्कार हो गया, पता नहीं मैं कैसे जान जा रहा हूँ, फिर वो अपने आप में घबराने लगते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं कौन बता रहा है। विजुअल के तो ये सारे प्रैक्टिकल हो गए, इसके अलावा हम परालौकिक जगत की शक्तियों के बारे में भी उसके प्रैक्टिकल लेते हैं कि यदि वो यहाँ से सीखने के बाद जाता है तो किसी के ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी कैसे देखेगा या कैसे हटाएगा या कैसे उसको समझेगा या कैसे कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि पहले दिखाई देना, जब तक बीमारी पता नहीं लगेगी तब तक कुछ पता नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमारा एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस ये है, हम किसी शक्ति को बुलाते हैं, जिस शक्ति को बुलाते हैं वो अदृश्य है, उस शक्ति का जैसा रंग है, रूप है, आकार है, जैसी वो दिखती है उसको एक कागज़ पे लिखने के बाद उस व्यक्ति के दे देते हैं कि ये रख लो अपनी जेब में और अब हम आपका लेंगे प्रैक्टिकल। अच्छा अब ये बताओ क्या हमने किसी को यहाँ बुलाया है, यस या नो? वो जो शक्ति उसने अर्पित क्रिया के दौरान ली हुई है उससे पूछेगा, पूछने के बाद वो शक्ति बताएगी हाँ या ना। इस तरीके से उसके सारे क्वेश्चन पूछते हैं हम उससे, और इसके साथ जो उसकी पर्ची में लिखा हुआ है वो सारे प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद बोलते हैं आप पर्ची खोल के देखो जो आपने बताया वही लिखा है या कुछ और लिखा है। वो बोलता है वाकई में वही था। तो ये क्या है, क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्या ये वास्तविकता नहीं है? लेकिन इस प्रैक्टिकल का मतलब ये भी नहीं है कि कोई शक्ति शरीर इंसान के तरीके से खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी परालौकिक जगत की शक्तियाँ हैं, जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। एकदम से अपने आप पंखे का चल जाना, एकदम से बाथरूम का नल खुल जाना, एक हमारे पास केस आया था, इटली का केस था और एक दुबई से भी आया था, तो ऐसे केस थे कुछ। तो उन केस में क्या समस्या थी कि किसी के घर में ऐसी समस्या थी कि अपने आप से उनकी टीवी चल जाती थी, अपने आप से नल ऑन हो जाते थे, कभी उनकी वाइफ अपने आप से गिर जाती थी, ऐसे लगता था जैसे सीढ़ियों से किसी ने धक्का दे दिया, किसी कमरे में आवाज़ आती थी, किसी के चलने की चीखने की आवाज़ आती थी, ऐसी चीज़ें होती थी। जब हमने स्कैनिंग से देखा तो उन्हें बताया कि भाई इस तरीके की समस्या है आपके साथ। तो जब आप ये चीज़ें कर लेते हो तो इन चीज़ों के माध्यम से इस तरीके से देख सकते हो, पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ें आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो। तो ये हमारा जो सिस्टम है वो इस तरीके का है, इसी तरीके से हम प्रैक्टिकल कराते हैं सामने वाले के, जब तक वो श्योर ना हो जाए। लेकिन अब लोगों की सबसे बड़ी दुविधा की समस्या ये बन जाती है कि उन्हें जब प्रैक्टिकल करा दो तो उन्हें ये लगता है पता नहीं कौन बता रहा है, लेकिन जब कोई शक्ति है तभी तो बता रही है ना, अगर कोई चीज़ होगी नहीं तो कैसे बताएगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि गैस तो लगाना ही नहीं है, अगर आप खुद से गैस लगा सकते हैं, खुद से अनुमान लगा सकते हैं, तो कोई अर्पित क्रिया लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप खुद ही कर सकते हैं। यदि आप खुद ही मास्टर हो गए तो फिर तो ज़रूरत क्या है किसी से सीखने की। तो ये कोर्स है, और जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं फ़ीस क्यों लेता हूँ, ये फ़ीस इसलिए नहीं लेता हूँ, ये फ़ीस इसलिए लेता हूँ ताकि समझाऊँ, समझाने की फ़ीस होती है। क्योंकि 12 घंटे किसी को देना
8 घंटे किसी को देना, 1 घंटे देना, ये कोई अपने आप में मामूली बात नहीं है। बिना कुछ खाए पिए लगातार उसको समझाना जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, जब तक उसे समझ में ना आ जाए कोई चीज़, तो ये चीज़ है। नहीं तो सारी चीज़ें काम करती, मैंने तमाम सारी साधनाएं दे रखी हैं यूट्यूब पे, तमाम कुछ दे रखा है, वो सारी चीज़ें काम करते हैं, सब कुछ काम करता है, बेहतरीन काम करता है, फिर चाहे वो गंगाराम अघोरी चाहे जो भी शक्ति हो, लेकिन वो चलेगी कैसे ये सीखने के लिए ही अलग से शुल्क होता है, ये सिखाने का अलग सिस्टम है। थ्योरिकली तो सिखा सकता हूँ मैं आपको यूट्यूब से, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं सिखा सकता हूँ। प्रैक्टिकली की जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है, सारा कुछ अलग है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, सारा कुछ ज़रूरी है। निःशुल्क ज्ञान दिया जा सकता है, मार्गदर्शन दिया जा सकता है, परोपकार सेवा का सिर्फ इतना सा ही होता है कि हम किसी को सही मार्गदर्शन दे दें। हमारे पास कई सारे लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं कि बाबा जी हम बहुत परेशान हैं, हमारे पिताजी बहुत बीमार हैं, मदद करें। तो उनको बोल दो कि मृत्युंजय जाप कर लो आप, पिताजी ठीक हो जाएंगे। तो जब ये ऑफिस में हमारे मैसेज आते हैं इस तरीके के या कॉल आते हैं, तो वो कहते हैं बाबा जी आप समझ नहीं रहे हो, मैं परेशान हूँ और मुझे नूरी जिन चाहिए। तो भाई पिताजी आपके बीमार हो तो नूरी जिन क्यों चाहिए, नूरी जिन क्या करेगा उसमें, आपके पिताजी बीमार हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि लोग अपना मतलब निकालने के लिए ऐसे आते हैं बनके कि मदद करो मदद करो सबके। तो ये सिस्टम होता है, सिद्धि कर लेना तो आसान है, किसी भी मंत्र की सिद्धि, लेकिन उस मंत्र का यूज कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, वो सीखना सबसे मुश्किल चीज़ है। और उस चीज़ को सीखने के लिए व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना होता है। तो सिखाना और चीज़ को कर लेना उसमें बहुत फ़र्क है। शोधनी तमाम लोगों ने करी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शोधनी करी, सिद्धि भी हो रखी है शोधनी की, लेकिन वो शोधनी से कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना कुछ काम ले सकते हैं। जब वो सीखना चाहेंगे, सीखने आएंगे, प्रैक्टिकली उन्हें समझाया जाए या सिखाया जाए तो वो उसका यूज कर लेंगे। तो सिद्धि करना आसान है लेकिन चलाना सीखना मुश्किल है। और ये आप जब ही सीख सकते हैं जब आपको कोई मास्टर सिखाए, और ये ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं आप, इसके लिए तो आपको मिलना ही होगा सामने वाले व्यक्ति से। और जाहिर सी बात है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और कोई व्यक्ति आपके लिए टाइम निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है वो फीस लेगा ही लेगा आपसे। निःशुल्क ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन निःशुल्क का मतलब ये नहीं है, मदद करी जा सकती है किसी की, लेकिन मदद का मतलब ये नहीं है कि कोई कहे कि बाबा जी एक काम करो मुझे अपने घर में रख लो 1 साल के लिए, तो बाबा जी कहाँ से रख लेंगे भाई। लेकिन सीखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज तक हमारे पास कॉल भी नहीं आया, फिर भी वो यूट्यूब से सीख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग। तो सीखने वाला अगर व्यक्ति हो तो वो कहीं से भी सीख सकता है, अगर ना सीखने वाला व्यक्ति है तो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये समझने पर निर्भर करती हैं कि व्यक्ति कैसे समझता है। तो इस तरीके से शक्तियाँ हैं, मंत्र सिद्धि करी जा सकती है, किसी शक्ति को सिद्ध किया जा सकता है मंत्र सिद्धि के माध्यम से, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग कैसे करना है ये आप जब ही सीख सकते हैं जब वो आपको मास्टर सिखाएगा और जब आप उससे सीखेंगे। क्योंकि सिद्धि मंत्र सिद्धि करना अलग बात है और शक्ति का प्रयोग करना अलग बात है। सिद्धि तो कोई भी करा दे लेकिन प्रयोग कैसे किया जाता है ये कौन सिखाएगा, ये सीखने के लिए ही आपको मिलना होता है सामने वाले व्यक्ति से। आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से ये सारा सिस्टम होता है। तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल। आदेश।